उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के केस में पुलिस ने आज शनिवार को आरोपी मौलाना अनवारुल हक से पूछताछ की है। अनवारुल ने साल 2015 में कमलेश तिवारी का सर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए इनाम में देने की घोषणा की थी। कमलेश तिवारी हत्याकांड में अनवारुल हक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वही इसके अलावा गुजरात के सूरत से भी 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। शुक्रवार दोपहर को कमलेश तिवारी की हत्या से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन शहर भर के पुलिस अधिकारी, कई थानों की फोर्स और पीएस मौके पर पहुंच गई। कमलेश के घर के अगल बगल की गली पुलिस कर्मियों से पट गई है। इलाके के लोग भी दहशत में दिखे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कमलेश तिवारी का शव देर रात लखनऊ में महमूदाबाद स्थित राम जानकी मंदिर लाया गया, जहाँ राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की बाग में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।